कई लोग कहते हैं कि ये श्री यमुना जी का अपमान है कि यमुना जी को कारी कह दिया और राधा रानी को गोरी कह दिया, लेकिन ये अपमान नहीं है, ये राधा रानी का उपमान है। अर्थात राधा रानी के उपमान को बढ़ाने के लिए कि यमुना जी भी इतनी प्यारी हैं, इतनी गोरी हैं, लेकिन वो भी राधा रानी के सामने थोड़ी फीकी पड़ जाती है। अर्थात राधा रानी के उपमान को बढ़ाया गया है यहाँ पर। यहाँ पर यमुना जी का अपमान नहीं किया गया है, बस बताया गया है कि इतनी मीठी यमुना भी राधा नाम के सामने खारी हो जाती है। तो सोचिए कि राधा नाम कितना मीठा होगा, कि इतनी मीठी यमुना भी खारी हो गई। ऐसी श्री राधा रानी, ब्रज की पहचान जिस प्रकार यमुना जी हैं, वैसे ब्रज की पहचान भी राधा नाम है, राधा रानी। जिस प्रकार आप वृंदावन कभी जाते तो आप देखते होंगे पेड़ों पर, वृक्षों पर भी राधा नाम लिखा होता, राधा राधा राधा। राधा नाम का, राधा नाम की महिमा अनंत है। ब्रज के कोने कोने में श्री राधा नाम की महिमा को ब्रज के महापुरुष, ब्रज के महात्मा गाते हैं। वो जानते हैं कि किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास धन के रूप में सोना होता है, चांदी होता है, पर जो सच्चा भक्त होता है उसका धन क्या है, क्या है? ब्रज में एक भजन गाया जाता है, आपने सुना होगा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ब्रजवासियों का धन तो केवल राधा नाम है।